A pedicle flap is uh, also a full thickness mucoperiosteal flap that remains attached to the original side by a base of a tissue. Uh, we can take the example of the most common types of flaps used for the closure of oroentral communication, and uh, these are buccal advancement flap and a palatal rotational flap. दिस इज टिपिकल फोर कार्नर फ्लैप क्रिएटेड बकलीस्पॉन्डिंग टू द्रिएटेड बकलीस्पॉन्डिंग टू द एरिया तरीके से लिया गया है इस को करना है ठीक है और अगर आप देखें तो फोर कार्नर इस तरह हुआ कि दो incisions है ठीक है ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड एक्सटेंड एज फार एस एक्सटेंड एज फार इज दॉकेट ऊपर की तरफ ठीक है ना जब ये फ्लैप ले लेते हैं ना तो अब इस फ्लैप को हम एडवांस करेंगे इसको क्लोज करने के लिए तो ये बाजू का जो है यहां तक क्योंकि हमने इसके इन इस एज को इधर हमने क्या करना है इसको स्विचर करना है अटैच करना है तो इसको अब हम क्या करेंगे बकल एडवांसमेंट इसको क्यों कहते हैं अब इसको अगली पिक्चर में आके फिर वापस आते हैं देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है ना इसी तरीके से ये इसको रिफ्लेक्ट किया गया है ये आपको स्केल पर नजर आ रहा है उसके अंदर ब्लेड नजर आ रहा है तो यहाँ आपने क्या करना है ट्रांसवर्स इंसिजन देना है ठीक है ना क्या करना है ट्रांसवर्स इंसिजन देना हल्का सा यानी हल्का सा किधर देना है पीरियास्टियम के ऊपर पेरियास्टियम को जब आप इंसाइज करेंगे हल्का हल्का यूं एक दे दिया एक यूं दे दिया एक यूं दे दिया फिर आप जब इसको जब ये इंसिजन दे, दे देंगे तो हम वापस अपनी उस पर आते हैं यहाँ आपने एक दे दिया दूसरा दे दिया तीसरा दे दिया अब जब आप इसको आगे की तरफ पुल करेंगे ना ठीक है स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा कि इस रिलीजिंग इंसिजन की वजह से क्या होगा ये एडवांसमेंट इसमें ये देना बकल एडवासमेंट फ्लेम तो ये क्या होगा कि आगे की तरफ यहाँ तक पहुंच जाएगा इस एरिया तक तो आपने इस मार्जिन के साथ इसको इजीली स्विचर कर देना है टेंशन नहीं आएगी अदरवाइज अगर आप रिलीजिंग इंसिजन नहीं देंगे ठीक है यहाँ पर रियाटे में ट्रांसफर्स जो रिलीजिंग डिस्जन है वो नहीं देंगे तो यहाँ आपको जो स्विचर आएंगे वो टेंशन में आएंगे टाइट आएंगे तो वो बाद में डिहाइसेंस हो सकता है ठीक है यानी आपका और इंटरवेस्टिकुलर का जो रिपेयर है वो फेल हो सकता है अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज ये है कि आ, ये जब आप फ्लैप लेते हैं तो आपका जो ये जो वेस्टिबुलर डेप्थ है ये कंप्रोमाइज हो सकती है तो इसलिए ये डेंटेड पेशेंट के लिए तो ठीक है जैसे इस पेशेंट में दिखाया गया है लेकिन आपने आ, जो ईडेंचुलेस पेशेंट हैं उनके लिए आपने फिर पैलेटल रोटेशनल फ्लैप हम जो थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे वो लेना होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे वेस्टिकुलर डेप्थ वो इसमें होती है पैलेटल रोटेशनल फ्लैप और पैलेटल एडवांसमेंट फ्लैप दिस टाइप ऑफ फ्लैप हैज एडवांटेज इन एज वी ईड अर्लियर सो देट मेंटेन्ड

लेकर आए हैं इसको हमने बकल मिकोजर के साथ क्या है स्विचर कर दिया है ठीक है इस साइड में बकल मिकोजा के साथ किया है यहाँ इधर दो स्विचर आपको पैलेट साइड पे भी लग रहे हैं अच्छा इसका क्या होगा जो आ, हमारे पास वूड यहाँ से हमने इसको रोटेट किया है और पैलेट पे जो वायर सा बन गया है ठीक है So, addressing is applied for a few days at uh, the void created, and healing is achieved by a secondary intention. So, okay, okay.